हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल ऑन आवर यूट्यूब चैनल एडु इंडियन। फ्रेंड्स, मैं स्वाति कौशिक आज लाई हूँ कुछ नए क्वेश्चन, जिसमें हम गेट 2017 का क्वेश्चन पेपर कर रहे थे उसी की कंटिन्यूटी में हम आज का क्वेश्चन देखने वाले हैं। यहाँ ये EDC का क्वेश्चन है, देखते हैं। यहाँ ए बार ऑफ गैलियम आर्सेनाइड इज डॉप्ड विथ सिलिकॉन। गैलियम आर्सेनाइड की कोई बार है, उसको हम सिलिकॉन से डॉप्ड कर रहे हैं। तब जो सिलिकॉन एटम्स ऑक्यूपाई गैलियम एंड आर्सेनिक साइट इन किस गैलियम आर्सेनिक क्रिस्टल। जो सिलिकॉन एटम है वो गैलियम और आर्सेनिक साइट को ऑक्यूपाई कर लेता है, रिप्लेस कर देता है। तो तब विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। तो उस कंडीशन में जो जब सिलिकॉन हमारा गैलियम और आर्सेनिक की साइट को ऑक्यूपाई करेगा, तो उस टाइम पर जो हमारे सिलिकॉन एटम है वो किस तरह से एक्ट करेंगे हमारे आर्सेनिक साइट में एंड गैलियम साइट में, तो वो हमें यहाँ पर बताना है। ऑप्शंस हम बाद में देखेंगे, पहले इस क्वेश्चन का हम एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। यहाँ पर गैलियम आर्सेनाइड का कोई बार है, तो हमें पता होना चाहिए जो गैलियम का जो वैलेंसी इलेक्ट्रॉन होते हैं गैलियम में, वो होते हैं 3। ओके, यहाँ पर गैलियम आर्सेनाइड का जो वैलेंसी इलेक्ट्रॉन होते हैं 3 एंड सॉरी गैलियम का 3 होता है एंड आर्सेनिक का होता है 5। ठीक है, जब हम आर्सेनिक को हम सिलिकॉन से रिप्लेस करेंगे, मतलब गैलियम का है हमारा 3 एंड आर्सेनिक का है 5। पहले हमारा जो ये 5 एंड 3 यहाँ पर हमारा जो बॉन्डिंग बना रहे थे, बट जब हमने सब्स्टिट्यूट कर दिया है सिलिकॉन, आर्सेनिक की जगह हमने सिलिकॉन को सब्स्टिट्यूट किया, रिप्लेस किया, तो तब हमारा जो बॉन्ड था वहाँ पर जो हमारे, क्योंकि सिलिकॉन की वैलेंसी होती है 4, वैलेंसी इलेक्ट्रॉन होते हैं 4, बट यहाँ पर आर्सेनिक में है 5, तो हमारा जो एक जो बॉन्डिंग है वो हमारी कंप्लीट नहीं हो पाएगी, तो वहाँ पर हमारा एक होल क्रिएट हो जाएगा। तो उस टाइम पर जो हमारा सिलिकॉन है आर्सेनिक साइट पर एज अ पी टाइप एक्ट करेगा। देखिए यहाँ पर, अब यहाँ पर मैंने ये डायग्राम दिखाया है, इस तरह से हम कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं। यहाँ पर अगर यहाँ पर पहले आर्सेनिक था, सपोज करो यहाँ पर आर्सेनिक था और गैलियम आर्सेनिक का हमने इस तरह से बॉन्डिंग थी पहले सिलिकॉन टॉप करने से पहले, तो तब क्या होगा, आर्सेनिक का होता है 5 वैलेंसी इलेक्ट्रॉन और गैलियम के होते हैं 3, तो ये गैलियम के 3 हो गए एंड यहाँ पर आर्सेनिक के हुए 5। बट जब हमने आर्सेनिक को सिलिकॉन से रिप्लेस किया, तो तब हमारे सिलिकॉन के 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन थे, तो ये 1, 2, 3, 4, ये 4 जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन थे इन्होंने तो कोवेलेंट बॉन्ड क्रिएट कर लिया है गैलियम के साथ, बट जो हमारा 4th गैलियम एटम है, मतलब 5th जो गैलियम एटम है हमारा, जो हमारा बिफोर सिलिकॉन सब्स्टिट्यूटिंग हमारा आर्सेनिक के साथ बॉन्डिंग क्रिएट कर रहा था, उसके लिए यहाँ पर एक होल क्रिएट हो जाएगा। तो इस टाइम पर जो हमारा सिलिकॉन होगा, सिलिकॉन एटम एज अ पी टाइप डोपेंट एक्ट करेगा एट अ इन आर्सेनिक साइट। तो इस तरह से हम इसको समझ सकते हैं कि जो आर्सेनिक है हमारा 5 वैलेंसी इलेक्ट्रॉन था, जब हमने उसको 4 वैलेंसी इलेक्ट्रॉन से रिप्लेस किया, तो वहाँ पर एक होल क्रिएट हो जाएगा और हम कह सकते हैं जो सिलिकॉन है एज अ पी टाइप एक्ट करेगा इन आर्सेनिक साइट। अब दूसरी साइड देख लेते हैं, जब हम गैलियम को रिप्लेस करते हैं सिलिकॉन से, तब क्या होगा, गैलियम का होता है वैलेंसी 3 और सिलिकॉन का होता है 4, तो एक एक्स्ट्रा हमें इलेक्ट्रॉन यहाँ पर मिल रहा है। ठीक है, हमें हमारे पास पहले 3 था, मतलब गैलियम के 3 वैलेंसी इलेक्ट्रॉन थे, बट यहाँ पर सिलिकॉन पर हमें 4 वैलेंसी इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं, मतलब हमें एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन मिल रहा है यहाँ पर। तो जो सिलिकॉन है गैलियम साइट पर एज अ
एन टाइप एक्ट करेगा। तो यहाँ हम इस बॉन्डिंग डायग्राम की हेल्प से समझ सकते हैं। यहाँ पर पहले ये सपोज कीजिए ये हमारा गैलियम है और ये आर्सेनिक के साथ इस तरह से बॉन्डिंग क्रिएट कर रहा होगा। जब हमने इसको सिलिकॉन से रिप्लेस किया तो सिलिकॉन के हुए 4 वैलेंसी इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पर एक रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन रह गया जिसने बॉन्ड क्रिएट नहीं किया है, कोवेलेंट बॉन्ड नहीं बनाया है। तो इस फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से हमारा जो सिलिकॉन है गैलियम साइड पर एज अ एन टाइप डोपेंट एक्ट करेगा। तो इस तरह से जो हमारे इस क्वेश्चन में जो हमारा ऑप्शन होगा करेक्ट वो चेक कर लेते हैं। यहाँ पर यहाँ ऑप्शन ए में गिवन है सिलिकॉन एटम एक्ट एज पी टाइप इन आर्सेनिक साइट। यही मैंने आपको बताया, सिलिकॉन एटम एक्ट एज पी टाइप इन आर्सेनिक साइट। तो ये तो हमारा इतना तो सही है, मैच कर रहा है। एंड एन टाइप डोपेंट इन गैलियम साइट, ये एन टाइप डोपेंट इन गैलियम साइट। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन ए ही हमारा मैच कर जा रहा है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा हमारा ऑप्शन ए। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं कुछ नए क्वेश्चंस के साथ। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।